मुंबई में मतदान कल अक्षय कुमार शिल्पा शेट्टी समेत कई फिल्मी सितारों ने लोगों से एक ही वोट करने की अपील। पांचवें चरण में मुंबई में मतदान कल अक्षय कुमार शिल्पा शेट्टी समेत इन फिल्मी सितारों ने लोगों से की वोट करने की अपील। लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण के लिए 20 मई को वोटिंग की जाएगी। इसके तहत देश भर के 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 49 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की जाएगी, जिनमें महाराष्ट्र की 13 लोकसभा सीट भी शामिल है। ऐसे में बॉलीवुड हस्तियां मुंबई वालों से बड़ी संख्या में वोट करने की अपील कर रही हैं। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने मुंबई वासियों से 20 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 20 मई को आपको अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करना और अपना लोकसभा सदस्य चुनने का अवसर मिलेगा। ये अवसर 5 साल में मिलता है, इस अवसर को न जाने दें क्योंकि हर एक वोट मायने रखता है। सुनिए। नमस्कार मुंबई कर, आने वाली 20 मई को आपको एक ऐसा मौका मिल रहा है जो 5 साल में बस एक ही बार मिलता है, अपने लोकसभा एमपी को चुनने का मौका, अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करने का मौका। भूल कर भी ये मौका मिस मत कीजिएगा क्योंकि एक एक वोट मायने रखता है। तो कल संडे है, छुट्टी का आनंद उठाइए और मंडे को देश के लिए अपनी ड्यूटी निभाइए, ठीक वैसे ही जैसे हमारी मुंबई पुलिस हर पोलिंग बूथ पर निभाएगी, इसलिए ताकि आप में से किसी भी वोटर को कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो हमारी मुंबई पुलिस रोज ही ये जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाती है। तो चलिए आली रे आली आता आमची वोटिंग ची बारी आली। वहीं सुनील शेट्टी ने कहा, मैं आपसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। 20 मई यानी सोमवार को मुंबई में वोटिंग है। वोटिंग न सिर्फ हमारा हक है बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। एक नागरिक होने के नाते मैं अपना वोट डालने जरूर जाऊंगा और आप सबसे भी यही विनती है कि कृपया अपने आप अपने नजदीकी वोटिंग सेंटर्स में जाइए और अपना वोट जरूर डालें। और आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने आया हूँ। 20 में यानी कि सोमवार को मुंबई में वोटिंग है। वोटिंग ना सिर्फ हमारा हक है बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज ए प्राउड मुंबईकर मैं अपना वोट डालने जरूर जाऊंगा और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने नजदीकी वोटिंग सेंटर्स में जाइए और अपना वोट जरूर डालिएगा। सो 28 में प्लीज स्टेप आउट एंड डू कास्ट योर वोट। आयुष्मान खुराना ने कहा, दोस्तों वक्त आ गया है मतदान का। लोकसभा चुनाव कई चरण में हो रहा है और अब आपकी बारी है। हर वोट महत्वपूर्ण है क्योंकि आप तय करेंगे कि देश को कौन से लीडर सही दिशा दिखाएंगे। आपका वोट आपकी आवाज है, तो वोट करें और अपनी आवाज को गिनती में शामिल करें क्योंकि मिलकर हम अपने देश का उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। मतदान आपका फर्ज है, इसलिए चलिए चुनाव के इस पर्व में हम सब हिस्सा लें। सुनिए। दोस्तों वक्त आ गया है मतदान का। हाँ, लोकसभा इलेक्शन फेजेस में हो रहा है और अब आपकी बारी है। हर वोट महत्वपूर्ण है क्योंकि आप तय करेंगे कि देश को कौन से लीडर्स सही दिशा दिखाएंगे। आपका वोट आपकी आवाज है, तो वोट करें और अपनी आवाज को गिनती में शामिल करें क्योंकि मिलकर हम अपने देश का उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। मतदान आपका फर्ज है, चलिए चुनाव के इस पर्व में हम सब हिस्सा लें। जय हिंद। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने कहा है कि मैं आप सभी से अपील करती हूं कि जितने भी मुंबई में रहने वाले लोग हैं जो वोटिंग कर सकते हैं, कृपया मतदान केंद्र जाएं और वोट डालें क्योंकि वोटिंग आपका हक है और इस हक का पूरा पूरा फायदा उठाइए। हे गाइस, आई एम शिल्पा शेट्टी कुंद्रा एंड मैं आप सभी से ये अपील करती हूँ, जितने भी मुंबईकर्स हैं जो वोटिंग कर सकते हैं, प्लीज गो आउट देयर एंड वोट ऑन द 20th ऑफ मे। वोटिंग आपका हक है और इस हक का पूरा पूरा फायदा उठाइए। सिंगर विशाल ददलानी ने कहा, मैं अभी फिलहाल मुंबई से बाहर हूं, लेकिन सोमवार सुबह मैं मुंबई वापस आऊंगा और वोट डालूंगा क्योंकि वोट करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर आप वोट नहीं डालते हैं तो आप अपने नेताओं से सवाल करने का हक खो देते हैं, इसलिए वोट जरूर करें। हाय, दिस इज विशाल। मैं सिर्फ मुंबई से बाहर जा रहा हूँ, आज सैटरडे है तो सैटरडे संडे मुंबई से बाहर रहूंगा, लेकिन मंडे सुबह सुबह आई बी बैक इन बॉम्बे। मैं वापस बॉम्बे लौटूंगा वोट करने। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी दैट यू हैव टूवर्ड्स योर डेमोक्रेसी। अगर आप वोट नहीं डालते तो फिर आप वो हक खो देते हैं कि आप अपने नेताओं से सवाल कर सके, उनको अकाउंटेबल बना सके। सो प्लीज वोट।
इस एज की सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि हर सिटीजन डेमोक्रेसी का भाग बने और अपनी जिम्मेदारी अपना फर्ज निभाए. जय हिंद. सी यू एट द वोटिंग बूथ्स ऑन मंडे. देखते रहिए हमारे साथ नवयुग शक्ति न्यूज और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को.